हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ मेंटर में। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10। इसमें हमने एक्सरसाइज चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें आपको सिखाया गया था HCF के बारे में। तो इसी श्रृंखला में हम इसी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी, यानी कि एक सेना की आर्मी है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, एक बैंड है, यानी कि सेना में एक आर्मी बैंड है और एक सेना की सदस्य हैं, सेना के सदस्य हैं कुछ, वे 616 हैं और आर्मी बैंड में जो व्यक्ति हैं वो 32 हैं। आपने देखा होगा कि आर्मी में पहले आगे बैंड चलता है लाइन्स में और उसके बाद पीछे जो है सेना चलती है। तो ये कह रहा है दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, यानी कि पहले बैंड आना चाहिए और बाद में आपका आना चाहिए आर्मी के जो सदस्य हैं, इन्हें मार्च कराना है। मार्च मतलब लाइन में चलाना है और इक्वल समान संख्या वाले। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? अच्छा, अगर मैं बात करूं, वैसे तो अगर इसे मोस्टली जो करते हैं सीधा सीधा ये बताया जाता है कि आप इसका HCF निकाल लें 616 और 32 का, लेकिन क्यों ये हमें समझना है। इसके लिए हम चलते हैं, मान लेते हैं कि अभी इसने अधिकतम पूछा है। हम अगर मैं आपसे बात करूं न्यूनतम की, तो इस तरीके से किस तरीके से चलाया जा सकता है? तो ऐसा चलाया जा सकता है कि पहले ये वाला ये लाइन किसकी लगे, बैंड की, और उसके बाद यहाँ पर इस लाइन में लग जाएं व्यक्ति जो आपकी सेना है। तो एक लाइन अगर मिनिमम पूछता या न्यूनतम पूछता तो 32 सदस्य यहाँ आ जाते और 616 यहाँ आ जाते, यानी कि एक लाइन में हो सकते थे, लेकिन उसने पूछा अधिकतम। तो अधिकतम के लिए हमें क्या करना है कि HCF निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि अगर देखा जाए कि ऐसा अंक हमें निकालना है जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर सके। मान लेते हैं कि 616 और 32 के लिए हमें HCF निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन हमने आपको बताया था। 616 के लिए 616 को हम डिवाइड करेंगे 32 से, 32 से डिवाइड करें 32 और माइनस करके आएगा ये आएगा 8 9 6 और ये आएगा आपका 2 और ये 9 टाइम चलेगा 288 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका बचेगा यहाँ 8। तो इस 616 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 × 19 और प्लस में ये रिमाइंडर हो जाएगा आपका शेषफल। चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः 8 व 32 के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम दोबारा से लगाएंगे। तो 32 की फिर लगाएंगे 8 × 32, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि इस 32 को आप लिख सकते हैं 8 + 4 8 × 4 यानी कि 8 × 4 और प्लस में ये शेषफल, क्योंकि शेषफल शून्य है तो इन दोनों का HCF कितना होगा 8। हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हुई, 8 हुई। कि इसका मतलब ये है कि अगर 32 को हम इस तरीके से चलाएं, 8 लाइनें बनाएं यानी कि स्तंभ बनाएं, तो ये पूरे पूरे मार्च बैंड के पीछे सेना की टुकड़ी मार्च कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है। अगर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है, तो मान लेते हैं कि वो धनात्मक पूर्णांक a है,
और हमें इसके वर्ग को चेक करना है। तो ये धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी। तो यूक्लिड विभाजन अगर लिखें इसके लिए, यूक्लिड विभाजन क्या लिखा जाएगा, ए ए अगर ग्रेटर देन है बी से तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी क्यू भी यहाँ पूर्णांक है और आर जो है वो हमेशा बी से छोटा होता है। आर जो होता है ए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर जो होता है बी से छोटा होता है और जीरो से बड़ा होता है, यानी कि आर जीरो और बी के बीच में। अगर हम दो पूर्णांक मानते हैं तो ए और बी मान लेते हैं। देखें आप इसका सॉल्यूशन, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, अगर इनके लिए यूक्लिड विभाजन लिखें तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा जाएगा। हम क्या करते हैं, इस बी को अपने आप मानते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो, क्योंकि हमें जो प्रूफ कराना है वो ये प्रूफ कराना है कि 3m और 3m प्लस 1, यानी कि 3 यहाँ आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर b को 3 पुट करते हैं। अगर b को यहाँ 3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा a इजकल टू 3q प्लस r, और r जो होगा क्योंकि b से छोटा बताया था, यानी कि 3 से छोटा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब इन तीनों केस में r बराबर 0, 1 और 2 के लिए हम अलग अलग वैल्यू लिखते हैं इसकी। अगर हम r बराबर 0 के लिए लिख लें तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा a इजकल टू 3q। अगर r बराबर सॉरी ये r बराबर 1 है, यहाँ आप इसे 1 कर लें और ये क्या है 2, ध्यान रहे ये 1 है और ये 2 है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अगर 1 के लिए करते हैं तो यहाँ r की जगह कितना आ जाएगा, r की जगह कितना आएगा 1, और r की अगर 2 के लिए करते हैं तो r की जगह कितना आएगा 2। अब हमारे पास a है तीनों केस में, हमें इसका वर्ग चेक करना था। जो इसका वर्ग है वो 3m और 3m प्लस 1 का है, m कोई भी पूर्णांक है, तो इसका वर्ग निकालेंगे। यहाँ इस केस में a स्क्वायर निकाला तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q, और इस 9q को हम 3 और 3q अलग लिख सकते हैं। अगर देखें ध्यान से तो 3q भी एक पूर्णांक है, इसकी जगह हमने k रख लिया। इसी प्रकार अब इसका वर्ग चेक करते हैं और फिर इसका वर्ग चेक करेंगे। अगर इसका वर्ग करते हैं 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3q प्लस 1 यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, बहुत छोटी आइडेंटिटी है, यानी कि 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1, तो 3 2 6, यानी कि 3 2 6, तो 6q। अगर ध्यान दें ये लाइन आपको क्लियर होगी होगी। अब इसमें क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे कि इनसे केवल यहाँ और यहाँ से 3 कॉमन है, तो ये बचेगा 3 कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये 1 अलग है। अब हम क्या करते हैं कि इसे भी नया पूर्णांक का नाम देते हैं के डैश, इसे नाम क्या देते हैं के डैश। इसी प्रकार क्योंकि ये हमें चेक करना था तो इसके लिए चेक करते हैं ए स्क्वायर इजकल टू 3q प्लस 2। अगर इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे इसका, तो 9q स्क्वायर और 2 2 4 और 2 2 4 12 q, यानी कि इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही आइडेंटिटी यूज होगी, सर्वसम्मी का यूज होगी। अब इसका यहाँ से देखें, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे आप इस लाइन को, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, और आप देखें यानी कि ये हो जाएगा 9q² + 12q + 3+1। अगर इतने से देखें तो यहाँ से आपका 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1। ये लाइन आप क्लियर होगी होगी आपको। और इसके यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, नया पूर्णांक, इसका नाम हमने दिया K डबल डैश। इसकी जगह पर हम क्या मानते हैं K डबल डैश। अगर आप देख रहे हो जो वर्ग है इसमें 3K के रूप का है, और इसमें 3K डैश प्लस 1 के रूप का है, और इसमें
थ्री के डबल डैश प्लस वन के रूप का है, यानी कि यहाँ कोई भी है पूर्णांक है के डबल डैश, यानी कि वर्ग किसी में भी लें वो हमेशा थ्री के या थ्री के प्लस वन या थ्री के डबल डैश प्लस वन के रूप का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, मतलब वहाँ तो k लिए हुए थे, यहाँ हमने क्या लिया था k डैश k डबल डैश, अभी m के लिए 3m या फिर 3m प्लस वन, यानी कि प्लस वन और प्लस वन के रूप का होता है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था SCF निकालना, एक बार इसे फिर समझे कि इसमें SCF क्यों निकाला गया। अगर आप देखें, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास 12 बंदे हैं और उन्हें मुझे कुछ लाइनों में मार्च कराना है, तो मान लेता हूं मैं तीन लाइन मैंने लगाई, तो एक लाइन में कितने बंदे आएंगे, चार, ये हो जाएंगे 12। तो ठीक इसी प्रकार हम इसे समझते हैं, अगर मान लो ये हमारे पास 32 हैं, इन 32 में हमने उन्होंने कहा था कि अधिकतम लाइनें, तो मान लेते हैं कि लाइन हमने लगाई एक्स और एक लाइन में वाई बंदे हैं। इसी प्रकार जो ये 616 थे, ये भी हमें इसी, मतलब जितनी लाइन ये थी उतनी लाइनों के लिए इन्हें मार्च कराना है, उन्हीं में मार्च कराना है, उन्हीं के पीछे। तो ये इसके लाइनें तो उतनी रहेंगी लेकिन उनमें व्यक्ति बदल जाएंगे, कितने होंगे, मान लो जेड मान लेते हैं, क्योंकि SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख रहे हैं ये तो ये हो गया कॉमन भाग, यानी कि लाइन की कॉमन है, और ये सबसे ज़्यादा पूछा है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा अधिकतम, तो इसलिए हमने इसमें SCF फाइंड किया है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। अभी आपको मैं ये नोट करने के लिए शुरू से दिखा देता हूँ, ये स्लाइड को आप सीरियल से देखें और नोट करें। यहाँ से है फर्स्ट पेज, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3 का सॉल्यूशन, प्रश्न चार का सॉल्यूशन, और ये आपका होमवर्क है, इन्हें आप करें, ये एग्जांपल, और ये दूसरा और पांचवा क्वेश्चन करें एक्सरसाइज का। और इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।